नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और अब तक लगभग 1,10,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और लगभग 5,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी भी हिला दिया। इसी कड़ी में अब फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को की। जब तक मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता, तब तक फिलिप ही सरकारी मामलों को संभालते रहेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री चुनते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल और सरकार का गठन करते हैं। कोरोना वायरस संकट से निपटने के तरीके पर फ्रांसीसी अधिकारियों की ओर से आलोचना का सामना करने के बावजूद फिलिप की लोकप्रियता में हाल के हफ्तों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि उनके भविष्य पर अटकलों का बाजार मध्य जून के बाद से ही शुरू हो गया था, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि वो अपने राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान कुछ सुधार करना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि राष्ट्रपति मैक्रों मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो देश के राष्ट्रपति मैक्रों कोरोना वायरस संकट में पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं और पटरी पर लाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये फेरबदल ऐसे समय में किया जाएगा जब कुछ दिन पहले स्थानीय चुनावों में मैक्रों की पार्टी को फ्रांस के बड़े शहरों में हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि मैक्रों क्या परिवर्तन लाते हैं और इसका कितना असर जीडीपी पर पड़ता है और क्या फायदा होता है।